हाय एवरीवन, आज मैंने बनाया है पोहा से चूड़ा नमकीन। बहुत ही मज़ेदार बनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लिया है 2 किलो पोहा, एकदम बारीक वाला चूड़ा है ये। मैंने सूखा खोपरा लिया है, जीरा, मिर्ची, कड़ी पत्ता, ये देख लीजिए एकदम फ्रेश ताज़ा कड़ी पत्ता है। ये 1.5 किलो सिंदाना है। अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ, स्टार्ट करते हैं बनाना। तेल डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी डाली है एक चुटकी, और डाला इसमें पोहा। इस चूड़े को लगातार ऐसे ही भूनते रहना है, तब तक भूनेंगे जब तक एकदम ये रेडी ना हो जाए। बहुत ही मज़ेदार बनता है दोस्तों, खाने में बहुत ही अच्छी लगते हैं। ऐसे बनाते हैं तो तलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तलते हैं तो उसमें तेल काफ़ी रहता है, खाने में उसका स्वाद बढ़िया नहीं लगता। ऐसे भुनने से तेल बहुत ही कम रहते हैं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं चूड़ा। ये देख लीजिए, एक घाने कम से कम 4 मिनट तक भुनना है। अब इसी तरीके से सारे चूड़े हमें भून लेना है। तेल में हल्दी डालें तो बहुत ही अच्छा इसका स्वाद आता है। लगातार ऐसे ही चलाते हुए मीडियम आंच रखें गैस की, भूनते रहना है दोस्तों। बहुत अच्छा ये चूड़ा बनके रेडी होता है, महीने भर आप खा सकते हो इसे। ठंडी का मौसम है, बना के रख दोगे डब्बे में भर के तो खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। खोपरे को भी भून लेती हूँ, ये देख लीजिए इसका कलर हल्का ब्राउन हो जाए, बस उतना ही बार भूनना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना इसे। ये देख लीजिए ऐसे ही, इसे भी निकाल देती हूँ उसी थाली में। और अब उसी तेल में कड़ी पत्ता डाल लेती हूँ, कड़ी पत्ते में ज़्यादा तेल ना डालें, थोड़ी सी तेल में भी भून जाती है, एकदम करारी बन जाती है। कड़ी पत्ता को भी 4 से 5 मिनट लगते हैं, ये भी रेडी हो गया है। उसी थाली में से भी निकाल देती हूँ। अब डालेंगे जीरा, जीरा के लिए तेल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही भूनना है। 50 ग्राम जीरा है दोस्तों, मैंने 200 ग्राम हरी मिर्ची भी ली है। बेसन दाना डाल देते हैं, बेसन दाना में भी ज़्यादा तेल नहीं लगता, इसे टाइम लगेगा भुनने में। जब तक सारे सिंदाने चटक ना जाए तब तक इसे भुनना है। बक बका कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, लगातार इसे 7 से 8 मिनट लगते हैं भुनने में। आँच बिल्कुल भी तेज ना करें, मीडियम ही रखें। इसे भी निकाल दिया है मैंने थाली में। अब सारे चूड़े हमें ऐसे ही भून लेना है। हरी मिर्ची डाल देती हूँ, मिर्ची भी तब तक भूने जब तक वो एकदम करारी ना हो जाए। ये देख लीजिए इसे भी 3-4 मिनट मैंने भूना है। नमकीन बन के रेडी है दोस्तों, चूड़ा भून के 2 गुना ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। तो हमारी दोनों थाली भर चुकी है, इसे एक कप में निकाल देती हूँ ताकि सारे इसमें मिक्स कर सकूँ। काफ़ी गर्म है ये, अब इसमें मैं जीरा हाथों से क्रश करके डाल दूँगी। ये देख लीजिए
जीरा डालने से स्वाद काफ़ी बढ़िया आता है। इसमें बाकी और भी कुछ भी मसाला इसमें ऐड नहीं करना है। नमक डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार और इसे मिक्स कर लेती हूँ, आधा मिक्स कर लेती हूँ। आधा भी मैंने एक थाली भर के रखा है साइड में, उसे भी इसी में डाल देती हूँ। जो बाकी जीरा बचा हुआ है वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ। ये देख लीजिए, हाथों से ऐसे ब्रश करके डालें। नमक डाल देती हूँ, अब करूँगी मिक्स। काफ़ी गर्म है दोस्तों, खाइए और इन्जॉय कीजिए। ये देख लीजिए कितना बढ़िया लग रहा है खाने में, तो पूछो ही मत, इसका स्वाद काफ़ी बढ़िया आता है। रेडी है दोस्तों, तो आप भी बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, फिर लेके आऊँगी एक नई वीडियो, तब तक के लिए बाय।